मौजूद हैं अली और सरफराज। टीम सी में मेरे साथ मौजूद हैं मोइज और तैयब। और टीम डी में मेरे साथ मौजूद हैं असलान और बासित। मेरा पहला सवाल टीम ए से है, पेशे से क्या मुराद है? काम करने को पेशा है। दुरुस्त जवाब। मेरा दूसरा सवाल टीम बी से है, साइंसी तरक्की की वजह से काम में क्या तब्दीली आई? साइंसी तरक्की की वजह से लोग काम मशीनों और कारखानों में काम करते हैं। मेरा जो पहला सवाल टीम सी से है, हजरत अली का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या रिश्ता था? दामाद सुसर। दुरुस्त जवाब। टीम डी से मेरा सवाल है, सूरज में कितनी हरारत होती है? दुरुस्त जवाब। डियर फ्रेंड्स, अब तो मुकाबला बहुत सख्त जारी रहा, अब लेते हैं छोटी सी ब्रेक। डियर फ्रेंड, अस्सलाम। मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही अहम है। मुझे यकीन है कि आपको इससे बहुत ही मालूमात हासिल होगी। जी दोस्तों, टॉपिक है चार हिंदुस्तानी का नमाज में बात करना। चार हिंदुस्तानी एक मस्जिद में गए और नमाज पढ़ने खड़े हो गए। हर एक ने अलग अलग तकबीर कही और पढ़ने के लिए जल्दी से नमाज पढ़ने लगे। इतने में मोदी ने आकर जान दी। इनमें से एक बोला, मैंने जान तो दी लेकिन एक ये क्या ये जान देने का वक्त है? दूसरे ने कहा, तूने नमाज में बात की तेरी नमाज खराब हो गई है। तीसरे ने दूसरे से कहा, अरे बेवकूफ, तू खुद भी नमाज में बातें कर रहा है, तेरी नमाज भी खराब हो गई है। चौथा बोला, अल्लाह का शुक्र है कि मैं इनके झगड़े में नहीं पड़ा। इसी तरह चारों की नमाज खराब हो गई। प्यारे बच्चों हमें दिल लगा कर नमाज पढ़नी चाहिए। डियर फ्रेंड्स, हम अपना प्रोग्राम वहीं से शुरू करते हैं। टीम ए, क्या आप रेडी हैं? इश्ताक के जिस्म के कितने हिस्से होते हैं? अब मेरा दूसरा सवाल है टीम सी से, सात ने किस रहनुमा के बारे में तकरीर की? टीम सी से मेरा सवाल है कि जावेद की माँ दोपहर के खाने में क्या लाई? टीम बी से मेरा सवाल है कि जावेद की माँ दोपहर के खाने में क्या लाई? अलवाज पर। दुरुस्त जवाब। मेरा टीम डी से सवाल है कि चांद किसके दम से चमकता है? सूरज के। दुरुस्त जवाब। जी फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमारी चार टीमों में से टीम बी और टीम सी अब तक जीती है। अब इन दोनों में सब मुकाबला है। देखते हैं कौन सी टीम ट्रॉफी लेकर जाती है। टीम बी, मेरा आपसे सवाल है, हजरत अली की जिंदगी से हमें क्या दर्स मिलता है?
बारिश का आपस में क्या ताल्लुक है? तो इस तरह दोनों जवाब नहीं दे सके इसलिए कोई भी नहीं जीता। Gracias.